नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार शिक्षा विभाग के नए छुट्टी कैलेंडर पर हो रहे विवाद के बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर भी एक्टिव हो गए हैं। अब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान छुट्टी की तालिका होगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश के बाद राजभवन ने नए साल 2024 के लिए एक समान विश्वविद्यालय अवकाश कैलेंडर तैयार करने में जुट गया है। इसको लेकर 3 कुलपतियों की एक कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में गुरुवार को राज्यपाल सचिवालय के द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है। मजबूत मांग के दाम पर 7 प्रमुख शहरों में इस साल अभी तक 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले अल्ट्रा लग्जरी मकानों की बिक्री 3 गुना होकर 4063 करोड़ रुपए रही। रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म एनरॉक ने यह जानकारी दी। एनरॉक के अनुसार भारत के शीर्ष 7 प्रमुख शहरों दिल्ली, NCR, मुंबई, MMR, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में इस साल अभी तक 4063 करोड़ रुपए की 58 इकाइयों की बिक्री हुई है। बिहार में युवाओं के लिए दारोगा बनने का अभी सुनहरा मौका आया है। BPSSC की ओर से 1275 पदों पर बिहार सब इंस्पेक्टर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 17 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए आज से अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ई एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर आज से उपलब्ध है। भारत ने अमेरिका में गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में कथित संलग्नता के लिए एक भारतीय अधिकारी के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दायर मामले को चिंता का विषय बताया और कहा कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि एक जांच समिति इस मामले की जांच कर रही है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि एक भारतीय सरकार कर्मचारी के निर्देश पर भारतीय मूल के निखिल उर्फ निक नाम के युवक ने एक वरिष्ठ अमेरिकी कनाडाई नागरिक गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए साजिश रच रहा था और कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर रहा था। सरकारी अधिकारी कथित तौर पर खुद को खुफिया जानकारी के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ फील्ड अधिकारी था। 13-14 दिसंबर को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में बिहार में निवेश के लिए बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं। उद्योग विभाग ने 22 देशों के उद्यमियों को आमंत्रण दिया है। 15 देशों के उद्यमियों ने बिहार आने को लेकर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, UAE, बांग्लादेश उन देशों में शामिल है जहां से उद्यमियों ने बिहार बिजनेस कनेक्ट में आने को लेकर सहमति दी है। विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में 7.6% रही। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 6.2% थी। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है कि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का आंकड़ा वैश्विक स्तर पर ऐसे कठिन समय के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और ताकत को दर्शाता है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला देश बना है। चीन की GDP वृद्धि दर इस साल जुलाई सितंबर तिमाही में 4.9% रही। बिहार के बहुचर्चित करोड़ रुपए के चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में पटना की विशेष अदालत में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपने गवाहों का बयान कलम बंद करवाया। चारा घोटाला मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश महेश कुमार के अदालत में CBI ने 86वें गवाह के रूप में मंसूर नूर भाई एवं 87वें गवाह अशोक कुमार सिन्हा का बयान कलम बंद करवाया, जिन्हें प्रति परीक्षण के बाद मुक्त कर दिया गया। इस बीच एक अन्य गवाह विदुभूषण द्विवेदी का पूर्व से चला आ रहा प्रति परीक्षण जारी रहा। मामले में गवाह के प्रति परीक्षण के लिए अगली तिथि 6 दिसंबर 2023 की निश्चित की गई है। बंद पड़ी विमानन कंपनी गो फर्स्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौशिक खोना ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा एयरलाइन के दिवालिया कार्यवाही के लिए मामला दायर किए जाने के लगभग 7 महीने बाद आया है। कौशिक ने गुरुवार को एयरलाइन के कर्मचारियों को लिखे एक ईमेल में कहा कि 30 नवंबर कंपनी में उनका आखिरी दिन है। वह अगस्त 2020 में CEO के रूप में गो फर्स्ट में लौटे थे। उन्होंने कहा कि भारी मन से मैं बताना चाहता हूं कि आज कंपनी के साथ मेरा आखिरी दिन है। मुझे अगस्त 2020 में एक बार फिर गो फर्स्ट के लिए काम करने का मौका मिला। आपके समर्थन से मैंने अपना बेस्ट दिया और बेहतर करने की कोशिश की। खेतों में पराली जलाने के मामले में कृषि विभाग ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने बघा जिले के 64 किसानों को रजिस्ट्रेशन विभाग ने रद्द कर दिया है। ये सभी सैटेलाइट से खेतों में पराली जलाते समय पकड़े गए थे। किसानों का रजिस्ट्रेशन विभाग के पोर्टल पर रद्द करने को लेकर कृषि निदेशक ने DAO प्रवीण कुमार राय को पत्र भेजा है। इस लिस्ट में जिले के कई प्रखंडों के करीब 64 किसानों के नाम शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन विभागीय पोर्टल पर रद्द करने का निर्देश दिया गया है। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा के अरिहाल इलाके में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एक अज्ञात आतंकवादी मार गिराया है। शीर्ष पुलिस अधिकारियों के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस को पुलवामा के अरिहाल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भाजपा को संस्थाओं, इलेक्ट्रोल ट्रस्टों, आम लोगों और अपने सांसदों से तकरीबन 720 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इस साल अक्टूबर में चुनाव आयोग के पास दाखिल और गुरुवार को आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई रिपोर्ट के अनुसार सत्तारूढ़ दल को 719.83 करोड़ रुपए का चंदा मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय इंटरप्राइजेज द्वारा समर्थित प्रूटेन इलेक्ट्रोल ट्रस्ट ने 254.75 करोड़ रुपए का चंदा दिया। यह चंदा ट्रस्ट ने कई किस्तों में दिया है। राजनीतिक दलों को प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपए से अधिक का चंदा देने वाला दानदाता की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है।
केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के सैन्य उपकरणों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 2.23 लाख करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को प्रारंभिक मंजूरी दी है। इनमें 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमान के साथ 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों की खरीद का प्रस्ताव भी शामिल है। रक्षा खरीद परिषद ने साथ ही सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। भारत और चीन ने बृहस्पतिवार को शेष मुद्दों का समाधान करने और पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पूर्णतः पीछे हटाने के प्रस्तावों पर रचनात्मक कूटनीतिक वार्ता की, लेकिन इसमें कोई बड़ी सफलता प्राप्त होने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव गौरंगालाल दास ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने उद्देश्य हासिल करने के लिए एक वरिष्ठ कमांडरों की बैठक का अगला दौर जल्द आयोजित करने का फैसला किया और जमीन पर स्थिति सुनिश्चित करने तथा किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। चीन की सबसे बड़ी वाहन निर्माता SAIC मोटर ने गुरुवार को सज्जन जिंदल के JSW समूह के साथ एक ज्वाइंट वेंचर समझौता किया। इसके तहत JSW समूह के पास भारतीय ज्वाइंट वेंचर के परिचालन में 35% हिस्सेदारी होगी। हालांकि दोनों कंपनियों ने यह नहीं बताया है कि क्या एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी या JSW SAIC मोटर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी MG मोटर इंडिया में 35% हिस्सेदारी लेगी। MG मोटर एक ब्रिटिश ब्रांड है जिसका स्वामित्व वर्तमान में संघाई मुख्यालय वाली SAIC मोटर के पास है। नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड ने पैन इंडिया आधार पर 3 साल की अवधि के लिए निश्चित अवधि के आधार पर सुरक्षा स्क्रीनर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट AAICLAS.AERO के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 8 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है और नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में इसरो बहुत जल्द एक्सरे पॉलीमरीमेट सैटेलाइट मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। XPO SAT अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा, उनके सोर्स की तस्वीरें लेगा। इसमें लगे टेलीस्कोप को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये सैटेलाइट ब्रह्मांड के 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों की स्टडी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंच गए हैं। यहां प्रवासी भारतीयों ने भारतीय पीएम की भव्य अगवानी की। इस दौरान लोगों ने नारे भी लगाए। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान पीएम मोदी देर रात दुबई पहुंचे। यहां हवाई अड्डे पर UAE के उप प्रधानमंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी COP28 विश्व जलवायु समिट में भाग लेने गए हुए हैं। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोग वहां पहले से ही पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए होटल के बाहर मौजूद थे। टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे और इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे टीमों के व्यस्त शेड्यूल के बीच IPL 2024 की लहर ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे दिन करीब आएंगे इन लहरों की रफ्तार और बढ़ेगी। IPL गवर्निंग काउंसिल ने बताया है कि वो कब IPL 2024 के शेड्यूल का ऐलान करने वाली है, मतलब मुकाबले किस तारीख को किस वेन्यू पर किस समय से शुरू होंगे। ऐसे तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक IPL के आलाधिकारी ऐसे सारे सवालों के जवाब अपनी मुहर उसके बाद ही लगाएंगे जब इलेक्शन कमीशन अगले साल देश में होने वाले आम चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने आधिकारिक लोगों को बदल दिया है। इसमें अब इंडिया के जगह भारत लिखा गया है। साथ ही आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की एक रंगीन फोटो भी जोड़ दी गई है। NMC के इस कदम की आलोचना भी होने लगी है। आरोप लग रहा है कि देश के शीर्ष चिकित्सा नियामक ने लायन कैपिटल को छोड़ दिया है, जिसे कभी आयोग के लिए एक प्रतिनिधि तस्वीर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि NMC ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि धनवंतरी का एक कला और सफेद रेखाचित्र पहले से ही उसके पुराने लोगों का हिस्सा था। संस्कृत और वेद विद्यालयों से अब सिर्फ वेद पाठी या फिर पूजा पाठ कराने वाले पौधे ही तैयार नहीं होगी, बल्कि इनमें अब स्मार्ट और हुनरमंद बच्चे भी निकलेंगे जो संस्कृत और वेद के नाम ही कंप्यूटर पर काम करने में दक्ष होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर के स्कूलों को स्मार्ट और विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप तैयार करने में जुटे शिक्षा मंत्रालय ने अब देश भर के संस्कृत और वेद विद्यालयों को भी जोड़ने की योजना बनाई है। शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल इसका जिम्मा देश भर में संचालित हो रहे संस्कृत व वेद विद्यालयों के नियमितीकरण के लिए गठित किए गए संदीप पनी राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड को सौंपा है। एड्स जानकारी ही बचाव है, हरियाणा खुद का मुंह चिरा रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की संकलक स्टेट्स ऑफ नेशनल एड्स रिस्पांस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 24.01 लाख लोग HIV एड्स संक्रमित है। हर साल HIV संक्रमण के 62,967 नए मामले दर्ज होते हैं और हर साल 41,968 लोगों की मौत होती है। बावजूद इसके 15 साल से चल रहे जागरूक अभियान की हकीकत यह है कि देश में 69% पुरुषों और 78% महिलाओं को HIV एड्स के बारे में व्यापक जानकारी ही नहीं है।
संसद के सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा सदस्यों को कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए। सांसदों को सदन के अंदर थैंक यू, थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारों से परहेज बरतने, सभापति की ओर से दी गई अव्यवस्था को सदन के अंदर या बाहर आलोचना से बचने की हिदायत दी गई है। सदन की मर्यादा का हवाला देते हुए सदस्यों ने कार्यवाही के दौरान नारेबाजी करने, तख्तियां लहराने से भी बचने की सलाह दी गई है। बृहस्पतिवार को जारी दिशा निर्देश में सांसदों से यह भी कहा गया है कि जब तक उनकी ओर से दिए गए नोटिस को आसन स्वीकार न कर ले तब तक इसका प्रचार करने से बचें। पश्चिमी देशों में मंदी की आशंका और चीन में आर्थिक सुस्ती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही में सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 7.6% की दर से विकास हासिल की है। हमारी जीडीपी दुनिया के बड़े देशों की तुलना में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। अप्रैल से सितंबर के दौरान पहले 6 माह में जीडीपी का अनुमान 7.7% बढ़कर 82.11 लाख करोड़ रहा, जो एक साल पहले 76.22 लाख करोड़ रुपए रहा था। 2022-23 की पहली 6 माह में इसमें 9.5% की दर से बढ़त दर्ज की गई थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा है कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मजबूत अमेरिका भारत साझेदारी का उदाहरण है। विश्व स्तरीय औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम रिचिंग फॉर द स्टार्स ए कन्वर्सेशन विद नासा एंड इसरो में नेल्सन ने ज्ञान की खोज में जिज्ञासा, दृढ़ता और जुनून के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को प्रेरित किया। इस दौरान 14 से 16 वर्ष की आयु के 200 से अधिक छात्रों को नेल्सन और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के साथ संवाद का अवसर मिला। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए साल 2023 के लिए आवेदन मंगाए गए। राज्यों के द्वारा 25.5 लाख आवेदकों का सत्यापन किया गया। जब इसकी जांच की गई तो चौंकाने वाली वास्तविकता सामने आई है। आधार आधारित बायोमेट्रिक चेकिंग के दौरान 6.7 लाख से अधिक आवेदक फर्जी पाए गए। आपको बता दें कि 1 लाख से अधिक संस्थागत नोडल अधिकारी और इतनी ही संख्या में संस्थानों के प्रमुख ने आवेदनों को सत्यापित किया था। उनमें से 5,422 INO और 4,834 HOI बायोमेट्रिक जांच के दौरान गायब रहे। व्हाट्सएप ने कुछ समय पहले भारत में चैट लॉक फीचर लाइव किया था, जिसके तहत आप अपनी पर्सनल चैट्स को एक फोल्डर में लॉक करके रख सकते हैं। लॉक करने के बाद इन्हें केवल फिंगरप्रिंट के माध्यम से खोला जा सकता है, लेकिन नए अपडेट में कंपनी ने यूजर्स को एक सुविधा ये दी है कि वे अपने लॉक्ड फोल्डर को व्हाट्सएप के सर्च बार में पासवर्ड डालकर एक्सेस कर सकते हैं। यानी लॉक्ड चैट फोल्डर कभी भी तरह टॉप में नहीं दिखाई देगा, आप इसे एक तरीके से हाइड कर पाएंगे। इसके अलावा अब आपको किसी चैट को लॉक करने के लिए हर बार प्रोफाइल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बाहर से ही चैट को देर तक प्रेस कर ये काम कर सकते हैं। आज सीमा सुरक्षा बल अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को स्थापित बीएसएफ ने भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1965 के युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं पर घुसपैठ, तस्करी और सैन्य आक्रमण के कारण एक विशेष बल की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। तब तक संसदीय प्रस्ताव के माध्यम से बीएसएफ का गठन किया गया था। प्रारंभ में सीमा सुरक्षा बल में विभिन्न राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों के कर्मी शामिल थे। अब सीमा सुरक्षा बल में लगभग 2.65 लाख जवान हैं। बीएसएफ में 193 नियमित बटालियन, 4 एनडीआरएफ बटालियन, 7 तोपखाने की इकाइयां, 8 वाटर विंग और 1 एयर विंग शामिल हैं। भारत में शादियों का सीजन चल रहा है। इस बीच सोने चांदी की कीमत में रेस लग गई है। शुक्रवार को एक बार फिर से सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने की कीमत 820 रुपए उछल गई। इसके बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 63,380 रुपए हो गई है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत भी 750 रुपए चढ़ गई। इसके बाद 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 58,100 रुपए हो गई। मुंबई में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत कोलकाता और हैदराबाद की कीमतों के बराबर 63,380 रुपए है। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी में सुधार जारी रख रहा है। दूसरी ओर उन्होंने एक कथित पेपर हत्या के साजिश में एक भारतीय के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अभियोग का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका इसे बहुत गंभीरता से लेता है। एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए किर्बी ने कहा, भारत एक रणनीतिक साझेदार बना हुआ है और हम भारत के साथ उस रणनीतिक साझेदारी को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले साल से ही बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने सुपर इंटेलिजेंट एआई पर अपनी बात रखते हुए कहा कि एआई इंसानों से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 12 महीनों में कोई भी सुपर इंटेलिजेंट एआई देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने इस बात को भी खारिज किया जिसमें यह कहा जा रहा है कि ओपन एआई ने एक ऐसा टूल बनाया है जो इंसानों के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सुपर इंटेलिजेंट एआई के बजाय हमें सेफ्टी पर फोकस करने की जरूरत है, जो वर्तमान की एक बड़ी डिमांड है। हमारे द्वारा पूछे सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, नुनू गोलू कुमार, धनंजय कुमार, मोहम्मद अलकमा, रवि शंकर, नौसद अंसारी, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार की ओर से क्या क्या सख्त कदम उठाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।